हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस कमेंट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, अभी से इनएक्टिव नहीं रहूँगा मैं यूट्यूब पे। तो गाइस वेलकम टू द सीरीज ऑफ पैसे बचाओ। ये पैसा इसे तोड़ो मरोड़ो गंदा करो मैला करो फिर भी ये चलता है क्योंकि ये पैसा है। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपको ऐसे सब वीडियोस पसंद रहेंगे जिसमें मैं ऐसे कैमरा लेके कुछ थोड़ा बहुत बातें कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों का पर्दाफाश कर रहा हूँ, रुके क्यों कमेंट करके प्लीज बताओ। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों का पर्दाफाश करने वाले। ये पर्दे के पीछे वाला पर्दा नहीं, ये ABS वाला पर्दा है। तो ऐसे पास में मैंने बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया, जैसे कि स्क्रैच रिमूवर पेन, उसके बाद मैजिक व्हील, HHO किट के जितने भी फेक प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको मैं यूज करके आपको बता देता हूँ कि असली में ये फेक है या जेन्युइन है। आज हम लोग ये चीज के बारे में बात करने वाले, ये है ABS किट विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। थिंग क्लेम्स दैट कि ये आपके बाइक के अंदर एक ABS का फीचर इंस्टॉल कर सकती है, वो भी इतने छोटे से मॉड्यूल में, जो मिलता है 790 रुपए का, 790 टू बी प्रिसाइज। हम लोग ये वीडियो में देखने वाले कि असली में ये चीज ABS फीचर आपके बाइक में ऐड करते हैं या फिर लोग पागल है जो 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा करके अपने बाइक के ABS वर्जन को खरीदते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़ा ज्ञान दूंगा कि ABS कैसे वर्क करता है। आपको पता होगा फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। जो आप बाइक चला रहे हो, समझो 70-80 के स्पीड में आप आराम से चला रहे हो, फिर सामने से कोई समझो एक पापा की परी आ जाती है। ये फेसबुक वाली पापा की परी नहीं है, ये रियल लाइफ वाली। अगर फेसबुक वाली होती तो उड़ जाती। तो अगर आपके पास नॉन ABS मोटरसाइकिल है तो आप क्या करोगे, एकदम मतलब सडनली ब्रेक मार दोगे तो आपका क्या होगा, व्हील लॉक हो जाएगा, आप स्किड कर दोगे और आप गिर जाओगे और एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो इसी चीज़ में ABS का अगर मोटरसाइकिल रहेगा तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप मतलब सडनली ब्रेक मारते हो, इमरजेंसी में कोई भी ब्रेक मारते हो, ABS का जो व्हील सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि टायर स्किड होने वाला है, तो आपके ब्रेक को वो थोड़े टाइम के लिए रुका देगा, बोलेगा अरे भाई अभी रुको, थोड़ा ब्रेक स्किड हो रहा है। जैसे आपका टायर वापस रोटेट होने लगे फिर वापस ब्रेक दबाएगा। ये सब जो प्रोसेस है ये 0.03 माइक्रो सेकेंड्स में होता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में ये सब प्रोसेस वर्क करता है। अभी मैं ये चीज को मतलब थोड़ा अनपैक करके आपको बता देता हूँ, अनबॉक्स तो नहीं करके बता सकता क्योंकि ऐसे इसमें कुछ बॉक्स नहीं आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जेनिक्स्ट्रा एंटी लॉक ब्रेकिंग, मतलब ये ABS के नाम से ही बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो एक मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है ABS, जिसका फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये असली में ABS वर्क करता है या नहीं करता है वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता देता हूँ। ऐसा कुछ छोटा सा बैंजो बोल्ट मिल जाता है, उसके साथ एक रबर सीलेंट भी आपको दिया हुआ है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ABS का जो सिस्टम है, ABS तो नहीं बोलना चाहिए बट तो भी ABS का जो सिस्टम है वो कैसे आपको इंस्टॉल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको पहले से एक बैंजो बोल्ट दिया जाएगा, आपको ये वाला जो थ्रेडिंग दिया हुआ है इसमें आपको जस्ट लगाना है। तो इसमें मैं जस्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे लगाने के बाद ये वाला जो आपका होस पाइप देख सकते हो आप, इसमें आपको ये ऐसे इंस्टॉल करना है। तो ये ऐसे रहने वाला है। तो ये वाला जो बोल्ट है हमारा बैंजो बोल्ट, इसको निकाल देना आपको। उसके बाद हमारा जो ये होस पाइप देख सकते हो आप वो कुछ ऐसे लगने वाला है इसके ऊपर, और बोल्ट जो है ये वाला बोल्ट ये इसके ऊपर लगा देना आपको। तो ये जो सिस्टम है गाइस ऐसे कुछ दिखने वाला है आपके मोटरसाइकिल पे, और ये आगे के लिए भी सेम है और पीछे के लिए भी सेम है क्योंकि आगे और पीछे के कैलिपर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये ऐसे मॉड्यूल आपको दो खरीदने पड़ेंगे, टोटल आपका कॉस्ट हो जाता है 1400 से 1500 तक का अगर दोनों आप मॉड्यूल खरीदते हो। सो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरा इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखाया नहीं आपको, बस एक थोड़ा सा आपको समझा दिया कि ऐसे होता है वैसे होता है। दो फ्रेंड ने इसको पहले से बाइक किया हुआ था और इंस्टॉल किया हुआ था, और मैं पहले सोच के रखा था कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना ही है कि एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि खरीद लेते हैं डायरेक्ट बट यूज़ नहीं होता। तो गाइस ये एक्चुअली ABS नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सा एक्चुएटर वाल्व है। ये जब भी हम लोग हमारे कैलिपर के ऊपर लगाते हैं तो ये काम क्या करता है, जैसे हम लोग सडन ब्रेक मारते हैं तो ये क्या करता है, प्रेशर को पूरा रिलीज़ नहीं करता है। जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं तो वैसे ही प्रेशर लग जाता है कैलिपर पे, बट ये चीज़ स्टॉप करता है वो प्रेशर को और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्टॉपिंग पावर भी कम हो जा रहा है और स्टॉपिंग का जो लेंथ है वो भी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे बताता है कि बाइक का टायर आपका लॉक नहीं होगा, बट समटाइम्स लॉक हो भी जाता है क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं या कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ABS का किट देखोगे तो कम से कम 10,000 या 15,000 तक का आता है आराम से। उसमें कैसा होता है, पूरा ECU रहता है आपका, ABS का पूरा मोटर रहता है, सब सेंसर्स एंड ऑल रहता है। तो मतलब उसके पास दिमाग है, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, मतलब ये टोटली फेक प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन पे मिल रहा है। सो अगर आप बाय करने का सोच रहे हो या सोच रहे थे तो आपका प्लान आप चेंज कर दो। आप समझो ब्रेक लगा रहे हो और ब्रेक लग ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है इसमें अगर आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करोगे। तो गाइस मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने NS 200 में ABS इंस्टॉल कर लूँ, बट अगर ये वीडियो क्रॉस कर जाते हैं 10,000 लाइक्स का मार्क तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि अपने पल्सर NS 200 में मैं ABS इंस्टॉल करूँगा, ऐसे वाला ABS नहीं। तो आपको क्या करना पता है, जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक्स कर दीजिए तो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो ही वो मिल सकता है। पहले मैंने बता दिया एक सिंपल नॉर्मल एक्चुएटर है, कुछ भी नहीं है, फेक प्रोडक्ट है पूरा, डोंट बाय इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट ऑल टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।